ग्रीन टी से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। मैं शाफे, मुझे शाम को भैया की तरफ ले जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल ले चलो। शाम को क्यों, अभी चलते हैं। नहीं शाफे, अभी नहीं, माँ ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है। खामा खा नाराज हो जाएंगे। हम शाम को ही जाएंगे। वाह जी, बड़ा ख्याल है माँ का। मुझे सिर्फ माँ का ही नहीं, आपका भी बहुत ख्याल है। अच्छा तुम्हारा ख्याल है मेरा। आपका ख्याल नहीं करूंगी तो फिर किसका करूंगी? बात तो ठीक है। चलो अगर तुम्हें मेरा ख्याल है तो फिर उठो और जल्दी से तैयार अभी कहाँ जा रहे शाफिर? तुम्हारे भैया के घर। नहीं, माँ नाराज होंगी, अभी नहीं जाएंगे। तैयार हो जाके मैं माँ से बात करके आता हूँ। ठीक है, आई विल सी यू। अगर आप कहें तो मैं नासिर भाई के घर ले जाऊँ मेहरबानी के लिए। नासिर के घर? हाँ, ले जाओ। बल्कि वो शायद इसीलिए उदास है कि बहुत दिनों से उनके यहाँ गई नहीं ना। मगर शाम से पहले आ जाना, मैं चाह रही हूँ उसका चेकअप करा दो। ठीक है मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भैया। अरे भैया, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कितनी लंबी उम्र है, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अरे भाई, खड़े खड़े सारी बातें यही करोगे? अंदर आए ना। अभी अभी हमने बातें क्या की। अरे शाफी, मैं रहने दो, मैं कर लूंगा। भाभी वैसे ये बात तो डिसाइडेड है कि आप चाय बहुत बेहतरीन बनाते हैं। हाय रब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आपका प्यार है। वरना नासिर को तो हमेशा ही मुझसे शिकायत रहती है कि मैं चाय अच्छी नहीं बनाती। हाँ तो मैं कौन सी झूठ बोल रहा हूँ भाई। मैं मानता हूँ कि तुमने खाना हमेशा अच्छा बनाया है, लेकिन अच्छी चाय बनानी तुमने मेरी बहनों के बाद ही सीखी है। देखा भैया क्या कह रहे हैं तुम्हारे भैया? भाभी, भैया की तो आदत है आपसे मजाक करने की, ऐसे आपको छेड़ है। खाना तो हमने आपसे बनाना सीखा है ना। बिल्कुल भाभी, नासिर भाई जो भी कहें मेरा वोट आपके साथ। अरे ये क्या, सिर्फ चाय पी है, बाकी सब तो वैसे रखा है। खाओ ना कुछ। भाभी अब तो हम दोनों चलेंगे। इजाजत दे दें भैया। अरे भैया इतनी जल्दी? मैं तो सोच रहा था कि तुम आज रात यही रुक जाओ। नासिर भाई हम दोनों इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे। वो दरअसल बिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, माँ ने उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाय रब्बा, क्या हुआ बिया की तबीयत को? कुछ नहीं भाभी, बस सफर की थकान है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आओगी तो मैं जाने नहीं दूंगा, कम से कम एक दो दिन जरूर रुकोगे। जी जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम जरूर आएंगे। जरूर आऊंगी, हमेशा खुश रहो। इजाजत। भाई मैं तुम लोगों से नाराज हूँ, तुम लोगों का आना कोई आना हुआ, आते ही और जाने की पड़ जाती है। भाभी अभी जाना है, फिर आऊंगी ना रहने। शाफे चला है। चलो चलो। बिया क्या? बिया 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 क्या हुआ तुम्हें? बिया बिया की तो वाकई तबीयत खराब है। नहीं भाभी मैं ठीक हूँ। ना भाई ना, मैं इस हालत में तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। शाफे इसे अंदर जाके ना लिटा दो, पड़ोस में एक बड़ी अच्छी डॉक्टर है, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। भाभी मैं ठीक हूँ शाफे, घर चलते हैं। चुप करके अंदर जाके लेटो, मैं अभी आती हूँ डॉक्टर को बुला के। ले जाओ इसे। उठो आराम से। ठीक हो ना? ठीक हो?
मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर मुझे लगता है ये मां बनने वाली है। क्या जी, फिर भी आप इनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें। वो तो इनकी सास करवा लेंगी जी, कोई दवाई वगैरह लिख के दे ना, वॉमिटिंग हो रही थी, चक्कर आ रहे थे इसे। फिलहाल इन्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, बस ये आराम करें। अच्छा तो आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, आपको तो पता है मैं अपने मरीजों को छोड़कर आई हूँ, अब इजाजत दे मुझे। एक कप चाय तो पी लेना, अभी फौरन लेकर आती हूँ। मैं आपकी पड़ोसी हूँ, फिर आकर किसी दिन पी लूंगी। अच्छा आए, आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। शाफे मियां, मिठाई मंगवा लें, माशाल्लाह से बाप बनने वाले हैं। मैं अभी मिठाई मंगवाता हूँ भाभी, मैं बिया से मिल लूँ पहले। हाँ मुन्ना जी को ना मैं खुद फोन करके खुशखबरी सुनाऊंगी, और बिया को मैं अभी कहीं नहीं जाने दूंगी। भाभी जैसे आपकी मर्जी, बिया से मिल लूँगी। भैया अल्लाह ताला कितने मेहरबान है ना, मेरा दामन खुशियों से भरते ही जा रहे हैं। पहले तुम्हारी मोहब्बत की सूरत में, और अब ये। अगर अल्लाह ताला आप पर मेहरबान है तो आपको उनका शुक्र अदा करना चाहिए ना। ये मुझे समझ नहीं आता कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करूं। अल्लाह ने आपको अपना बनाया है, आप उनके बन जाएं। वाह, बड़ी गहरी गहरी बातें कर रही हो आज। शाफे घर चलें, माँ वेट करी होंगी ना हमारा। भाभी ने रोक लिया, वो कह रही थी मैं माँ से खुद बात करूँ। नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे घर जाना है। ये अब मैं अंदर आ जाओ। जी जी नासिर भाई प्लीज आइए। कैसी तबीयत है? मैं मोना जी, बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको। मुबारक, किस बात की मुबारक? माशाल्लाह आप दादी जो बनने वाली हैं। तुम्हें किसने बताया? वो जी अभी अभी लेडी डॉक्टर खुशखबरी सुना के गई है। कौन सी लेडी डॉक्टर? कौन आया था? तुम हो कहाँ? क्या किसी क्लिनिक पे लेके गई हो बिया को? मैं मोना जी खैरियत तो है ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो बिया की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने डॉक्टर यहीं बुला ली थी घर पे। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी डॉक्टर को बुलाने की? शाफे ने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने पहले से किसी डॉक्टर से बात कर रखी है? कहाँ है वो, मेरी बात करवाओ शाफे से। वो जी शाफे अंदर बिया के पास है, मैं कहती हूँ आपसे बात करे वो। तुम शाफे से कहो कि फौरन बिया को लेकर घर आए। वो हाँ, वो डॉक्टर कह रही थी कि कोई टेस्ट भी कराना है। टेस्ट? कौन से टेस्ट? तुम बिया को फौरन घर भेजो। बिया मेरी बहू है, मैं बेहतर जानती हूँ उसे कहाँ लेके जाना है, कौन से टेस्ट करवाने, वो दोनों मेरी जिम्मेदारी है। तुम फौरन शाफे से कहो बिया को लेकर घर वापस आए। हाँ है, मैं मुना जी मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया है? मैंने तो आपको खुशखबरी सुनाई है। आप तो ऐसे ही उससे हो रही है मुझ पर। अच्छा ठीक है, भिजवाती हूँ मैं इनको। जाने क्यों जाने ना, मेरा दिल छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना, जाने ना। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।